एक ऐसा प्रश्न आया है जिसको सुनकर के वर्तमान के उपासकों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये उपेंद्र दीक्षित जी हैं, मध्य प्रदेश, छतरपुर जिला मध्य प्रदेश, लवकुश नगर के पास गुढ़ा ग्राम से प्रश्न कर रहे हैं। गुरुजी, प्रश्न ये है कि वर्तमान में कोई शनि मंदिर बनवा के पूज रहा है, कोई हीरो हीरोइनों की मंदिर बनवा देता है, जिनको हमारे सनातन धर्म में देवताओं की गणना में क्या महात्माओं की गणना में भी नहीं मानते हैं, उनके भी मंदिर बन रहे हैं और उनमें कहीं राम कहीं नाथ शब्द का प्रयोग कर देते हैं, जैसे साईं राम साईं नाथ इत्यादि। तो इन ये भक्त लोग जो पूजा करेंगे तो क्या इनको मुक्ति मिलेगी, अथवा इनका जो भोग लगाते हैं ये लोग उसका प्रसाद प्राप्त करते हैं तो क्या वो प्रसाद है? कोई शनि के मंदिर में प्रसाद लगा करके बांटता है तो क्या वो प्रसाद कहलाएगा? तो जो भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम के प्रसाद को भोज पाने से जो आनंद आता है, जो मुक्ति मिलती है, जो भक्ति मिलती है, तो क्या ये जो बनाए हुए मनुष्यों के मंदिर है क्या उनका प्रसाद प्रसाद है? क्या वो लेना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। वर्तमान में इतने मंदिर हो गए हैं, इतने संप्रदाय हो गए हैं, अभी कलयुग के कारण सभी लोग शास्त्रों के विरुद्ध बोल रहे हैं और शास्त्र पहले से ही इनके विरुद्ध बात कर रहे हैं। अच्छे से समझने लायक है कि शास्त्रों का ये लोग अभी विरोध कर रहे हैं, जबकि शास्त्रों में इनका पहले से ही निषेध है। अभी आप देखिए, आपने जो प्रश्न किया अपनी बुद्धि से किया, लेकिन इसका उत्तर सुनने लायक है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का प्रथम श्लोक है प्रश्न किया कि ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तव। हे कृष्ण, ये जो लोग श्रद्धयान्विताः श्रद्धा से पूर्ण है, भरे हुए हैं, लेकिन शास्त्र विधि का त्याग करके पूजा करते हैं, शास्त्रों में जिनको देवता नहीं कहते हैं उनको देवता मान के पूजा कर रहे हैं, शास्त्रों में जिनकी पूजा का निषेध है उनकी पूजा कर रहे हैं, भले श्रद्धयान्विता श्रद्धालु तो है। कोई कह रहे हैं ना, अभी आजकल एक प्रश्न है, बोले जिसकी जिसमें श्रद्धा हो उसकी पूजा करे। तो जिसकी जिसकी श्रद्धा उसकी पूजा करेगा तो वो तो भाई अपनी अपनी निष्ठा है, ऐसा ही लोग तर्क दे रहे हैं। और अर्जुन ने यही प्रश्न ठीक भगवान से पूछा कि जो लोग, जो स्त्री पुरुष शास्त्र विधिम उत्सृज्य, शास्त्र विधि को बिल्कुल छोड़ करके श्रद्धयान्विताः श्रद्धा से पूर्ण होकर के यदि वो यजन्ते, यदि किसी का पूजन करते हैं तो तेषां निष्ठा तु का, उसकी निष्ठा को कौन सी निष्ठा कहना चाहिए? क्या उसकी मुक्ति हो जाएगी? क्या उसको भोग लगाने से वो प्रसाद बन जाएगा? क्या वो देवता मुक्ति देने में समर्थ होता है? क्या वो कोई साधु वेशधारी किसी का मंदिर बना ले तो क्या वो उसको दे सकता है? का निष्ठा श्रद्धा हो किसी अज्ञानी व्यक्ति को शास्त्रों की विधि का त्याग करके यदि किसी मनुष्य में बुद्धि में देवता बुद्धि से यदि वह श्रद्धा करता है तो उसको क्या मिलेगा? क्या वो सात्विक पूजा कहलाएगी? हे कृष्ण, आहो रजस्तम, कि वो रजोगुणी और तमोगुणी उपासना कहलाएगी? भगवान ने कहा ठीक कह रहे हो, संसार में कुल 3 प्रकार के ही लोग तो हैं।
एक रजोगुणी है, एक तमोगुणी है, एक सात्विक है। सत्वात् संजायते ज्ञानम्, सत्व गुण जो प्रधान होगा उससे ज्ञान उत्पन्न होता है, निर्मल ज्ञान। और जो सात्विक होगा वो शास्त्र विधि को छोड़ करके कोई और पूजा कर ही नहीं सकता। अज्ञानी रजोगुणी तमोगुणी को यदि श्रद्धा हो जाए तो बोले सुनो, 17वें अध्याय का 4वां श्लोक सुनिए। यजन्ते सात्विकाः देवान्, जो सात्विक सत्व, सात्विक का मतलब क्या है, जो सत्व गुण प्रधान होते हैं वो ज्ञान प्रधान होते हैं, वो विवेक प्रधान होते हैं। जो सात्विक व्यक्ति होते हैं वो शास्त्रों के अनुकूल नहीं चलते हैं, ऐसा नहीं है, वो शास्त्रों में जो लिखा है वही करते हैं, बस ये है। और वो निर्मल ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसलिए सात्विक व्यक्ति शास्त्रों में लिखे हुए देवताओं का ही पूजन करते हैं और शास्त्रों के द्वारा विधान किए गए देवताओं के ही प्रसाद को प्रसाद मानते हैं। उन मंत्रों से की गई प्रतिष्ठा जिन देवताओं को की होगी उसी को देवता मानते हैं। इसलिए सात्विक व्यक्ति सात्विकाः यजन्ते देवान्, तो यजन्ते सात्विकाः देवान्। अच्छा जी, अभी ये लोग प्रचार करने लगे हैं, कोई कुबेर की पूजा करवा रहा है, कोई शनि देव की पूजा करवा रहा है, कोई साईनाथ साई राम की पूजा करवा रहा है। तो ये लोग जो क्या श्रद्धालु तो है ना, तो बोले हाँ, यक्ष रक्षांसि राजसाहा, जो रजोगुणी लोग होते हैं वो शास्त्रों के विपरीत चलते हैं, क्योंकि रजो रागात्मकम विधि, जो रजोगुणी प्रधान होते हैं वो रागी होते हैं, उन्हें धन चाहिए, स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, वासना चाहिए, भोग पदार्थ चाहिए, तो जो भी दे दे, चाहे जो कोई दे दे, बस हो गया, उनको देवता से कोई तात्पर्य नहीं है। किसी ने कह दिया कि 16 सोमवार करो तो 16 सोमवार कर लेंगे, और यदि कोई कहे से कुछ नहीं होगा तुम तो ये मंत्र जब करो तो वो कर लेंगे, और कोई कह दे कि इससे कुछ नहीं होता सब छोड़ दो तो छोड़ देंगे। ये ऐसे लोग कौन कहलाते हैं, बोले राजसाहा, जो रजोगुणी होते हैं वो पूजा करते हैं यक्षों और राक्षसों की। तो ये जो शास्त्र की विधि को छोड़ करके मात्र श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों, बोले यक्ष और राक्षस मुक्ति ज्ञान भक्ति कुछ भी देने में समर्थ नहीं होते। तो जो देवता है ही नहीं, जो देवता है ही नहीं, तो सृष्टि में देवताओं को, ब्रह्मा जी को, इंद्र आदि देवताओं को ही वरदान सामर्थ्य प्राप्त है कि वो वरदान दे सकते हैं। और है भी उपनिषदों में चर्चा, जो यक्ष और राक्षसों की अन्य देव अन्यों को देवता मान के पूजा करते हैं वो रजोगुणी है, ना उनका लगाया गया प्रसाद प्रसाद है, ना उनका लगाया गया भोग भोग है, और ना ही वो उनके यक्ष राक्षस मुक्ति दे सकते हैं, ना ज्ञान दे सकते हैं, ना ही भक्ति दे सकते हैं। तो उसके उपासक को, बोले उसके उपासक की भी दुर्दशा ही होगी। प्रेतान भूत गणाश्चान्य यजन्ते तामसा जनाहा, और कुछ तमो गुणी होते हैं वो क्या करते हैं, बोले वो सीधा भूत प्रेत को जिंद को बस में कर लेते हैं और खोपड़ी में प्रतिष्ठा कर लेते हैं। अभी कितने लोग ऐसे हैं इन्हीं को ही तांत्रिक कहते हैं। तो भूत प्रेत इत्यादि, भगवती दुर्गा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देवकी के गर्भ में जो सातवां बालक है उसको लेके और रोहिणी के गर्भ में डाल दो तुम्हें कोई दुर्गा कुमदा चंडिका ये सब कहेंगे। तो ये सात्विक पूजा है, इसलिए शास्त्रों की विधि को छोड़ करके शास्त्रों में जो नहीं कहे गए हैं उनको देवता बना करके जो पूजा करते हैं उनका ना तो प्रसाद लेना चाहिए और उनकी पूजा से ना आपको भोग पदार्थ संसार के मिलेंगे, क्योंकि उनको वरदान देने का सामर्थ्य है ही नहीं। पुराणों में तो कथानक है कि ब्रह्मा जी का हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष ने
तपस्या की, कुंभकर्ण रावण ने तपस्या की तो उन्हें दिए ना वरदान। तो जिन देवताओं को शास्त्र कहते हैं कि ये वरद है, वरदान दे सकते हैं, वो ही देवता है, उनकी ही प्रतिष्ठा होती है। और जो शास्त्रों की विधि को त्याग करके कोई किसी के भी मंदिर बना ले, भोग लगा दे, ना वहां देवता होता है, ना वो भोग होता है, ना वहां भोग पदार्थों की कामना पूर्ण होती है, और ना ही मुक्ति देने में सामर्थ्य है। अंत में ऐसे उपासक अपना जब शरीर छोड़ के जाते हैं तो किसी लोक में नहीं जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसाह, ये जो दूसरों को देवता मान के पूजा करते हैं, बीच ही में यहां बने रहते हैं, दोबारा मनुष्य भी नहीं बनते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।